YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कॉलेज रिव्यू के सीरीज में मैं आज आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो पटना गुलजार बाग में स्थित है उस कॉलेज का आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सही समय पर मिलता रहे। दोस्तों, हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये जो कॉलेज रिव्यू है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम ट्यूटोरियल के थ्रू कराया जा रहा है, जिसे आप लोग विजिट कर सकते हैं www.youtube.com/शिवम ट्यूटोरियल। दोस्तों, आपको बता दें कि ये इस कॉलेज का बिल्डिंग है, आप इसे देख सकते हो, और इसका प्रवेश द्वार है, आप इसे यहाँ से विजिट कर सकते हो। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कॉलेज का जो स्थापना हुआ था 1954-55 के सेशन में हुआ था और फर्स्ट सेशन इसी साल शुरू हुआ था। दोस्तों, इस कॉलेज का जो वेबसाइट है वो www.gpp7.org है, आप चाहे तो इस वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और जो कैंपस है वो अर्बन है, यानी कि आपको ये शहरी क्षेत्र में कॉलेज स्थित है। दोस्तों, हम यहाँ कोर्स और सीट की बात करते हैं तो यहाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के टोटल 63 सीट पे एडमिशन मिलता है, और जो 12 12 सीट है वो लेटरल एंट्री के लिए रिजर्व होता है, तो टोटल 75 75 सीट अवेलेबल है। दोस्तों, उसके बाद में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ टोटल 33 सीट पे एडमिशन मिलता है, और उसके बाद सिरामिक्स इंजीनियरिंग है, उसमें भी टोटल 33 सीट पे एडमिशन मिलता है। दोस्तों, उसके बाद हम कॉलेज में जो अवेलेबल फैसिलिटीज है उसकी बात करें तो यहाँ कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, मेस, उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी की व्यवस्था दी गई है। कॉलेज के स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए आपको मेडिकल की सुविधा है। यहाँ गेस्ट हाउस बनाया गया है, जिम की सुविधा दी गई है, बैंकिंग की सुविधा है, और क्लब्स बनाए गए हैं। दोस्तों, उसके बाद कैंपस आपको वाईफाई मिलेगा, उसके बाद लैब्स की सुविधा है और वर्कशॉप की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों, सम जो कुछ अदर फैसिलिटी स्टूडेंट को दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन लर्निंग के लिए स्वयं के थ्रू यहाँ कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके बाद में जो MOOC है उसके थ्रू यहाँ पढ़ाई की जा रही है, उसके बाद में जो अटल एकेडमी के थ्रू यहाँ ट्रेनिंग और लर्निंग के लिए काम करवाया जा रहा है। दोस्तों, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट मिशन पे यहाँ काम हो रहा है, जो बिहार के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लागू है और पॉलिटेक्निक में भी शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपडेट पॉलिटेक्निक, BCEC बोर्ड, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज रिव्यू या जितने भी यूनिवर्सिटी अपडेट हैं पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ सबसे तेज़ अपडेट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम प्लेसमेंट डिटेल्स की बात करते हैं तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो बार बार करवाए जा रहे हैं, उसके बाद रेगुलर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग यहाँ से अभी तक कोई वैसा ऑफिशियल डाटा नहीं मिला है, मैंने वेबसाइट को चेक किया, उसके बाद में यहाँ के अथॉरिटी से बात की तो वहाँ पे पता हुआ कि अभी प्लेसमेंट के लिए कोई वैसा पैकेज नहीं मिला है जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया जाए। दोस्तों, उसके बाद मुझे एक नोटिस मिला जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड में यहाँ के स्टूडेंट का चयन हुआ है, आप यहाँ कॉलेज का नाम देख सकते हो, आपको ये ऑफिशियली वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ पे 10 स्टूडेंट का इसमें चयन हुआ था, इसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था, जिसके बाद इन्हें जूनियर इंजीनियर के तौर पे इन्हें से इनका सिलेक्शन किया गया है। दोस्तों, हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फी स्ट्रक्चर में आपको ट्यूशन फी 60 रुपये, एडमिशन फी 5 रुपये, उसके बाद कॉजन मनी 200 रुपये आपको जमा होता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट चार्ज है वो 1,000 रुपये, इंश्योरेंस चार्ज वो 500 रुपये, और जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 1,000 रुपये आपको पेड करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों, री एडमिशन की प्रोसेस होती है तो बाद में कुछ पैसे आउट देने होते हैं। दोस्तों, हम हॉस्टल की बात करते हैं तो हॉस्टल में यहाँ बॉयज़ के लिए जो हॉस्टल अवेलेबल है उसमें टोटल 22 रूम की व्यवस्था की गई है, उसके बाद में जो वेड्स हैं वो 48 हैं। दोस्तों, ये हॉस्टल शहरी क्षेत्र में है तो बच्चे ज़्यादा बाहर ही रहना पसंद करते हैं,
और कुछ हॉस्टल को अभी बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों हम हॉस्टल की फ़ी डिटेल्स की बात करते हैं, तो यहाँ हॉस्टल में एडमिशन के लिए आपको 600 रुपये लगते हैं। उसके बाद कुछ रुपये आपको डिपॉजिट के लिए जमा भी होते हैं दोस्तों। और उसके बाद जो रूम रेंट है और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, वो आपको 6600 रुपये एक साल में देने होते हैं। तो दोस्तों ये आपका हॉस्टल का जो फ़ी डिटेल्स है दोस्तों। उसके बाद हम आपको बता दें कि अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है दोस्तों। हम एडमिशन की बात करते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस में यहाँ जो एग्ज़ाम होता है DCEC का नाम का और DCEC LE के नाम से, तो उसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। ये सारे एग्ज़ाम आपको BCEC बोर्ड के थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं और काउंसलिंग भी BCEC बोर्ड के थ्रू ऑर्गेनाइज होते हैं। इससे रिलेटेड सारी अपडेट BCEC बोर्ड के वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे अपडेट होते रहते हैं। और दोस्तों इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आपको 10th पास होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों बिहार के बहुत सा पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर और उसके बाद पटना, ये सारे कॉलेज का नाम आता है, जिसमें आप चाहे तो अच्छे से एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उसे भी इसकी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।